नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि चोट लगने के बाद स्किन बिल्कुल काला नहीं हो, पैर में चोट लग जाए और चोट ऐसा लग जाए कि जिसे आपको लगे और उस समय ऐसा लगे कि आप उठ नहीं रहे, यानी पैर में ऐसा चोट लग जाए और वहाँ निशान भी ना बने, वहाँ ब्लड भी ना निकले, तो उस स्थिति में आज मैं बिल्कुल कारगर घरेलू उपाय लेके आया हूँ जो बिल्कुल आसान है और आपके घर में मौजूद है। तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास में जो छोटी सी घंटी है उसको ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको जाए नोटिफिकेशन। तो चलते हैं, बात करते हैं कि इस बीमारी के लक्षण में, इसको हेमोटेमा के नाम से जाने जाते हैं। ये बीमारी समय पे अगर इसका उपचार नहीं किया तो बाद में ये खतरा का उत्पन्न देती है, बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न करा देती है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि पैर में अगर चोट लग जाए और चोट लगने के बाद ब्लड ना निकले और वहां काला ना हो, मतलब किसी रड से चोट लग जाए या किसी ने आपको मार दिया या बांस के फट्टे से या रड से या गाटर से चोट लग जाए और वहां पे ऐसा लगे कि जैसी चोट लगे तो सब एक पल के लिए आप मतलब बिल्कुल सुन्न हो गए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, मैं बिल्कुल सिंपल सा उपाय बता दे रहा हूँ जो आप अगर करेंगे, पैर के किसी भी हिस्से में अगर चोट लग गया या आपको गिरने से, तो कोई बनाने की झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चोट लगने के बाद मतलब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे मैंने मेरे पैर में जब चोट लगा था ना तो बिल्कुल मतलब होश ही नहीं था, दो मिनट के लिए लगा कि पैर में एकदम सुन्न हो गया और दम वहीं पे बैठ गया, बैठने के बाद उठने का दम बिल्कुल मन उठ नहीं पा रहा था। तो उस स्थिति में किसी तरह मैं चलकर घर आया, घर आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहला जो मैंने किया वो है हल्दी, एक चम्मच हल्दी मैंने आधा गिलास में एक चम्मच हल्दी डालकर उसको अच्छी तरह से उबाल लिया, उबाल इतना करे कि हल्दी का जो कलर है वो काला ना पड़े, वो लाल ही रहे, ध्यान ये रहे, काला पड़ने से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं होगा, तो लाल हल्का लालापन पे होना चाहिए। तो उसको उतार कर आप किसी बर्तन के सहारे आपको धीरे 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 बिल्कुल पी लेना है, पीने के उपरांत दर्द बिल्कुल आपको गायब हो जाएगा। हल्दी, एक चम्मच हल्दी आपको उबालकर आपको पी लेना है, थोड़ा देरी के बाद आपको बिल्कुल राहत महसूस करेगा। यही मैं उपाय करके अपने जो चोट लग गया था गाटर जो लोहे का बड़ा बड़ा जो गाटर होता है ना, इस स्थिति पे चोट लग गया था, यहाँ पे पैर में एकदम पैर के जो थाई होता है ना वहां पे चोट लग गया था, एकदम बैठ गया था, तो इस एक पल के लिए लगा कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन किसी भी स्थिति को तो। और दूसरा जो उपाय मैं जो लेके आया हूँ, ये तो पहला हो गया जो, और दूसरा उपाय मैं लेके आया हूँ, जहां आपका चोट लगा है तो वहां पे आप क्या करें, इस तरह का ये नारियल का तेल बिल्कुल अच्छी तरह से चबोड़ लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से जहां आपका चोट लगा है वहां हल्के हाथ से दो उंगली से मालिश कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा दबा दबा के सुबह दोपहर रात में जरूर करें, 3 टाइम करने के बाद आपका दर्द बिल्कुल उसी समय गायब होगा, पहला तो लगाते के साथ ही आपका गायब हो जाएगा, दूसरा दोपहर में जरूर लगाना है, तीसरा रात को जरूर लगा देना है। तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल 36 से, फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करें हमारे ऑल इन वन चैनल 36 से।